स्वामी। माँ देखिए ना, पिताश्री नेत्र नहीं खोल रहे हैं। देखिए ना माँ, पिताश्री को कहिए नेत्र खोले। स्वामी 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 स्वामी, नहीं ये सत्य नहीं हो सकता। स्वामी अंजना, अंजना मैं काल के वश में विवश हो गया हूँ। अंजना बस बंद कीजिए अब यह अश्रुधारा, अश्रु बहाने दीजिए हनुमान को। उसे भी तो आभास होना चाहिए कि क्या होता है काल के नियमों का उल्लंघन करने का दंड। नियम है तो यम है। जन्म होने पर प्राणी विलाप करता है और परिजन प्रसन्न होते हैं, मृत्यु होने पर परिजन विलाप करते हैं, कुछ समय सभी विलाप करेंगे, फिर पुनः सबका जीवन सामान्य हो जाएगा। यही संसार का नियम है केसरी। अब आपके परिवार से आपके सारे संबंध समाप्त हो चुके हैं। जन्मों के संबंध होते हैं कालदेव, अभी तो मैं कुछ भी नहीं कर पाया हूं अपने परिवार के लिए, समाज के लिए और इस समस्त संसार के लिए। मुझे बहुत कुछ करना है कालदेव, बहुत कुछ। मुझे कुछ जीवन दान और दे दीजिए कालदेव। जितना आपके पास समय था उसके अनुसार आप जितना कर सकते थे आप कर चुके हैं। अब अपने पुत्र को भी करने दीजिए कुछ। वो अभी छोटा बालक है कालदेव, उसे बहुत कुछ सीखना है। किंतु वो महाबली संकट मोचन है, कालदेव का भी सामना कर लेता है वो। कालदेव यदि मेरे पुत्र से कोई धृष्टता हुई तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। क्षमा कीजिए, अभी उसकी शक्तियों को दिशा देना है मुझे। दिशाहीन एवं अनियंत्रित शक्तियाँ सदैव अनर्थ का कारण बनती हैं। सीख जाएगा वो। इस प्रकार जब उसे दंड मिलेगा तब उसकी शक्ति नियंत्रण में स्वयं ही आ जाएगी, और फिर उसकी माँ है उसे संस्कार देने के लिए। कैसे करेगी वो अकेले इस संसार का सामना, ये बिछोह नहीं सह पाएगी वो। यदि उसे कुछ हो गया तो हनुमान भी नहीं रह पाएगा कालदेव। ये क्या हो रहा है देवेश्वर? अनर्थ हो गया जगत पालक, पद के मद में चूर होकर कालदेव ने अन्याय किया है। क्या हुआ? मैं रो क्यों रही हूं? स्वामी अभी उठेंगे, कुछ नहीं हुआ मेरे स्वामी को। हनुमान मेरे लाल मात्र पुत्र, कुछ नहीं होगा, तुम सब विलाप मत करो। ऐसे क्या देख रहे हो मुझे पुत्र? पिताश्री तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, तुम उठाओ अपने पिताश्री को। मेरी मृत्यु ना हनुमान सहन कर पाएगा ना अंजना। मेरे परिवार पर दया कीजिए कालदेव, दया कीजिए कालदेव। छोटा सा परिवार है मेरा कालदेव, मेरे बिना टूट कर रह जाएगा, बिखर जाएगा मेरा परिवार कालदेव, बिखर जाएगा।
अंजना, कैसी विचित्र सी हो गई है मेरी अंजना, मेरे बिना नहीं जी पाएगी वो। उन्हें मात्र मैं ही संभाल सकता हूँ। अब कुछ नहीं हो सकता केसरी, अब आप उनकी चिंता छोड़ दीजिए। अब अगले 11 दिनों तक, जब तक विधि पूर्वक आपका श्राद्ध ना हो जाए, आपको प्रेत लोक में निवास करना होगा। नहीं कालदेव, हनुमान, हनुमान तुम्हारे पिताश्री कोटना ही होगा। कहो इनसे पुत्र, हमें तीर्थ यात्रा पूर्ण करनी है, तभी तो हमारे संकट मिट पाएंगे। पिताश्री, मैं क्या करूं? अब आप ही समझाइए माँ को। अंजना, हनुमान, हनुमान, आपके पाँव में इतने सारे छाले पड़ गए। जिसका तुम्हारे जैसा पुत्र हो उसे कुछ नहीं हो सकता पुत्र हनुमान। पिताश्री, पिताश्री, नेत्र खोलिए, देखिए माँ की क्या दशा हो रही है। स्वामी, पिताहीन व्याकुल हनुमान व्यथित बचा नहीं पाए प्राण, शोकित विल पे माँ तू अंजना कर नहीं पाई स्वामी रक्षना। परम दुखी सब सोचे मन में, राजा मरण दूरिक वन में, शोक शोक अति शोक प्रसारा, बाल मारुति पाए न पारा। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। नेत्र खोलिए ना पिताश्री। आप तो हनुमान की पुकार भी नहीं सुन रहे। केसरी जी, देखिए नहीं रहे क्या हो गया है। केसरी जी, महाराज, केसरी जी, केसरी जी, महाराज, माँ देखिए ना, ये तो हनुमान की भी नहीं सुन रहे। आप इनसे कहिए ना कि हनुमान सबके लिए चल ले आया है, हम सबकी प्यास बुझ जाएगी। अंजना, ये सब मेरे कारण हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। अभी उठेंगे स्वामी, तीर्थ यात्रा पूर्ण कर दी, साधु ही छोड़कर ये नहीं जा सकते। हनुमान, ये तुलसी पत्र अपने पिता के मुख में रख दो और ये जल भी प्रदान करो पुत्र। इस तुलसी पत्र से इन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी।
और मृत आत्मा को भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक की प्राप्ति का अधिकार मिल जाएगा। नहीं, मृत आत्मा मत कहिए, मेरे स्वामी अभी उठ जाएंगे, उठ जाएंगे स्वामी। मैं ही दोषी हूं, ना मुझे प्यास लगी, ना ही हनुमान केसरी जी को छोड़कर दूर जाता। कौन जानता था ऐसा होगा मां, संभालिए स्वयं को। बड़ी अभागिन हूं मैं, मेरे ही कारण मेरी पुत्री का। हमें तो ज्ञात ही नहीं था ये महाराज केसरी का परिवार है। हाँ, महाराज केसरी के परिवार को दुख में देखकर हम इनकी सहायता के लिए ही तो यहाँ आए थे। दुखों का जैसे पर्वत ही टूट गया है महाराज केसरी के परिवार पर। ये भी हमारी भांति मृत्युंजय महादेव के दर्शन के लिए जा रहे थे, बड़ी अनहोनी हो गई इनके साथ। वैसे महाराज केसरी का हम ऋषियों पर बड़ा उपकार है, इन्होंने शंभ सदन राक्षस को मार करके उसके त्रास से हम ऋषियों को मुक्त किया था। हाँ, ऐसे दुख के क्षण में यहाँ रहकर हमें महाराज केसरी के परिवार की सहायता करनी चाहिए। चलिए अंजना, हनुमान जैसे अबोध बालक से कैसे कोई इतना बड़ा अपराध हो सकता है जो उसके परिवार को इतना भीषण दंड दिया गया। सुमेरु के भूतपूर्व भूपति केसरी, मैं प्रेतराज आपका स्वागत करता हूं इस प्रेतलोक में। केसरी जी, अब ये मोह माया छोड़ दीजिए, उस संसार से संबंध तोड़ दीजिए, अन्यथा आपको भयंकर कष्ट भुगतना होगा। यदि आप इस लोक में दुखी होंगे तो आपका परिवार भी उस लोक में उतना ही दुखी होगा। केसरी, मिथ्या है वो संसार, अब तो मात्र मृत देह है वहां, उसकी भी अंतिम यात्रा अब आरंभ हो चुकी है। गुरुजी, अंतिम संस्कार की सभी व्यवस्था हो चुकी है, समस्त सामग्री भी आ चुकी है, आसपास के राज्यों से भी लोग आ रहे हैं महाराज केसरी को अंतिम विदाई देने के लिए। हाँ, मैं महाराज केसरी के परिवार वालों को सूचित करता हूँ कि वो अंतिम संस्कार की विधि को संपन्न करें। जी गुरुजी। सारा दिन बीत गया स्वामी, अब तो उठ जाइए, अन्यथा हम कार्तिक के अंतिम सोमवार तक मार्कंडेय तीर्थ नहीं पहुँच पाएंगे। ध्यान रखना पुत्र, कार्तिक मास के अंतिम सोमवार को तुम्हें वहां पहुंचना होगा। Oh,
हम आपकी दुख की घड़ी में आपके साथ हैं, परंतु महाराज केसरी के मृत देह को अब अधिक समय तक रखा नहीं जा सकता। हमने सारी व्यवस्था कर ली है, इनका अंतिम संस्कार हो जाना चाहिए। नहीं ऋषिवर, नहीं। पिताश्री को तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कहता और ना ही ये सब होता। कैसा संकट मोचन हूँ मैं, मेरे ये पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने ही पिताश्री को संकट से नहीं बचा पाया। ऐसा मत कहो पुत्र, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं पुत्र। ये मुरली की धुन, न जाने इस मरुथल में मुरली बजाने वाला कौन आ गया। उस पर्वत की ओर सुनाई दे रही है मुझे मुरली की धुन। किसी ने मुरली बजाई, वो कोई रहस्यमय मुरली की धुन, उसी को सुनकर तुम्हारे पिताश्री दौड़े दौड़े चले गए। मुरली की धुन रहस्यमय थी। मेरे स्वामी अभी लौट कर आएंगे, जिसने भी उन्हें हमसे दूर किया है वो अधिक समय तक उन्हें अपने पास नहीं रोक पाएगा। हमारा प्रेम उन्हें वापारा, प्रेम उन्हें वापारा, प्रेम उन्हें वापारा। ये तो पूर्णतया अन्याय किया है कालदेव ने। हनुमान या केसरी जी को ही नहीं, अंजना के लिए भी दंड हो गया है ये तो। अपने नियम में कालदेव कठोर हैं, किंतु वे आपके विधान में हस्तक्षेप कर रहे हैं। आपकी दी हुई सांसें कैसे छीन सकते हैं वे केसरी जी से। महारानी जी, जो सत्य है उसे हम सबको स्वीकार करना ही पड़ेगा। अब अधिक देर तक हम इनके मृत शरीर को नहीं रख सकते। सारा दिन निकल चुका है, अब यदि इनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया तो इनकी आत्मा को बड़ा कष्ट होगा। हनुमान पुत्र, हमने अंतिम संस्कार की सारी व्यवस्था कर ली है, अब आपको अंत विधि पूरी करनी है। केसरी, अश्रु बहाने से आपका दुख बढ़ेगा, नेत्र बंद करके शांति को धारण कीजिए। वैसे भी कुछ क्षणों में आपका पुत्र आपके मृत देह का अंतिम संस्कार कर देगा, फिर आपका पृथ्वी लोक से संपर्क समाप्त हो जाएगा।